कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो, सेफ हो। सो इन टुडेस वीडियो आई एम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो। और आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो होगी लिपस्टिक। और मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस मार्स की 3 मैट बॉक्स लिपस्टिक की। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो। और ये मार्स की जो लिपस्टिक है ना, ये न्यूली लॉन्च है। न्यूली लॉन्च इन द सेंस की आई थिंक 5-6 महीने 7 महीने हुए हैं इसे लॉन्च हुए। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हो। और मार्स के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, एक तो अफोर्डेबल होते हैं, प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और मैं तारीफ कर रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये स्पॉन्सर वीडियो है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने इस लिपस्टिक को अपने पैसे से लिया है, क्योंकि ये ब्रांड जो है ना, मीन्स काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है इनके प्रोडक्ट्स जो है। एक तो प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा है, दूसरा अफोर्डेबल है, तीसरा बिगनर फ्रेंडली आप बोल सकते हो, क्योंकि अफोर्डेबल होने की वजह से बिगनर फ्रेंडली है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये जो बॉक्स है ना, लिपस्टिक की जो बॉक्स है, मुझे ये इसी तरीके से मिला था, मीन्स इसी तरह से ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था, बस बबल रैप करके। सो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। मेरे पास जो सेट है, मैंने जो लिया है, ये है प्लम 03। तो आपको इस लिपस्टिक में, मीन्स ये जो सेट है लिपस्टिक का, आपको इसमें ना 4 सेट्स मिल जाएंगे। एक तो ये है प्लम जो मैंने लिया है, दूसरा आता है ब्राउन, तीसरा आता है पीचेस एंड न्यूज, चौथा आता है रेड एंड मरून्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट चूज कर सकते हो। और उसमें भी आपको 3 लिपस्टिक मिल जाएंगे, मीन्स एक बॉक्स में आपको 3 लिपस्टिक मिलेगा, मीन्स 3 के सेट में आता है ये लिपस्टिक जो है। बात कर लेते हैं इस लिपस्टिक के प्राइस के बारे में। सबसे पहले तो प्राइस के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर हम जिस लिपस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। इस लिपस्टिक की प्राइस है 447 रुपीज, मीन्स इच लिपस्टिक जो है आपको 149 रुपीज में मिलता है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है, क्योंकि 149 में आपको एक लिपस्टिक मिल जाता है। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी है इसकी 3.2 ग्राम की। मीन्स इच लिपस्टिक की क्वांटिटी जो है वो 3.2 ग्राम की है, मीन्स क्वांटिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है। और सेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी सेल्फ लाइफ है 4 ईयर्स की, अगेन ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं बता दूं कि मैंने इस लिपस्टिक को लिया कहाँ से है। तो मैंने इसे अमेजन से लिया है। आई थिंक आपको ये सारी ही जगह मिल जाएगा, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे ट्राई करो, आपको मिल जाएगा इजीली। सो या इंग्रेडिएंट्स भी इस पे लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे से इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, सब कुछ, मीन्स सब कुछ इन डिटेल बॉक्स पे लिखा हुआ है, आप बॉक्स को पढ़ सकते हो। अब मैं आप लोगों को बॉक्स ओपन करके दिखाती हूँ। तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नजर आता है, आप देख सकते हो। प्लास्टिक में इस तरीके से तीनों जो है लिपस्टिक रखे हुए हैं। तो ये जो लिपस्टिक है ना, इसकी पैकेजिंग जो है बिल्कुल भी मुझे फ्लिम्सी नहीं लग रही है, बहुत ही स्टडी पैकेजिंग है इसकी। और जब आप इसे क्लोज करते हो तो आप देख सकते हो कि साउंड आ रहा है अच्छे से। मीन्स आपको इस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आप बैग में, अगर पर्स में कैरी कर रहे हो तो ये ओपन हो जाए, खुल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे से ये क्लोज हो जाता है। अगर ये आउटर बॉक्स बाय चांस कहीं खो भी जाता है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कौन सा सेड है, सेड नेम क्या है, सेड नंबर क्या है, या फिर मैन्युफैक्चर डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये इस पेपर पे लिखा हुआ है सब कुछ। प्लम सेड में आपको जो 3 लिपस्टिक मिलते हैं, उन तीनों लिपस्टिक का नंबर है 7, 8 एंड 9। वो मीन्स सिक्वेंस में आपको आई थिंक नंबर मिलता है। सो जो 07 है इसका नेम है ट्रेंड अलर्ट, और जो 08 है इसका नेम है फैशनिस्टा, और जो 09 है इसका नेम है मैग्नेटिक। तो मींस नाम नंबर सब कुछ है, तो अच्छा हो जाता है ना, लिपस्टिक का नाम भी रहे, नंबर भी रहे, तो अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे ब्रांड में या फिर बहुत सारे लिपस्टिक में ऐसा होता है कि या तो सेड नेम रहता है या फिर नंबर रहता है, दोनों रहता है तो अच्छा रहता है। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इन तीनों का सेड दिखा देती हूँ। तो पहले आप लोगों को हैंड स्वच दिखाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को लिप्स पे लगा कर दिखाऊंगी। So, ये जो सेड है ना, ये पिंकिश कलर है, आप देख सकते हो, मींस पिंकिश न्यूड कलर है, काफी प्यारा है। मींस ये सेड जो है, ये है 09 मैग्नेटिक, और जो दूसरी लिपस्टिक है वो आई थिंक बॉक्स से ही, जैसा कि मैंने बताया कि बॉक्स से ही पता चल जाएगा कि कौन सा डार्क है, कौन सा न्यूड है, कौन सा थोड़ा लाइट है, मीन्स इस तरीके से भी आपको आइडिया हो जाएगा। सो दूसरी लिपस्टिक मैं स्वैच करने वाली हूँ, ये है 08 फैशनिस्टा, प्लम कलर है ये। वाओ,
मीन्स वन स्वाइप में इतनी अच्छी पिगमेंटेशन मिल रही है, मीन्स मुझे देख के ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको देखकर ही आइडिया हो जाएगा, ये थोड़ा सा डार्क शेड है, ये मॉविस कलर का प्लम कलर है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जो तीसरी शेड है ये है 07 ट्रेंड अलर्ट। तो आप देख सकते हो तीनों ही कलर को बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जब मैंने जब इसे हैंड पे स्वैच किया ना, मीन्स इतना ज्यादा क्रीमी लग रहा है और पिगमेंटेशन तो बहुत ही अच्छी है। और आप देख सकते हो तीनों कलर में डिफरेंस, ये कलर जो है ये पिंकिश न्यूड कलर टाइप लग रहा है, ये कलर जो है ये प्लम कलर है, और तीसरी जो शेड है ये भी पिंकिश ही कलर है। मीन्स थोड़ा सा इस वाले शेड से ये शेड जो है थोड़ा सा डार्क है। मीन्स ओवरऑल तीनों शेड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और पता है जब मैं इसे ले रही थी ना, मीन्स जब मैं इसे ऑनलाइन खरीद रही थी, तो मुझे मन था कि मैं पीचेज एंड न्यूड्स लूँ, बट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। बट मैं डेफिनेटली ट्राई करना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और रिव्यू कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी यूज कर रही हूँ, मैंने इसे यूज किया है, मुझे इसका फॉर्मुलेशन, इसकी पिगमेंटेशन सब कुछ बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं आप लोगों को लिप्स पे तीनों लिपस्टिक को लगाकर दिखा देती हूँ वन बाय वन, फिर हम बात करेंगे डिटेल में इस लिपस्टिक के फॉर्मुलेशन के बारे में, इसके पिगमेंटेशन के बारे में, और ये किस तरीके का है, टेक्सचर क्या है इसका, सब कुछ इन डिटेल हम बातें करेंगे। पहले आप लिप्स स्वेचेस देख लीजिए। एक्सट्रीमली क्रीमी है ये लिपस्टिक जो है, जब आप इसे अपने लिप्स पे लगाते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अपने लिप्स पे लगा रखा है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और अभी मैंने इस शेड को लगाया है ना, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये थोड़ा सा ट्रांसफर होता है, मीन्स जब आप इसे लगाते हो उस टाइम पे ये ट्रांसफर हो जाता है, बट थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये सेटल डाउन हो जाता है, मीन्स सेट हो जाता है, तो फिर ये कम्प्लीटली मैट हो जाता है और बहुत ही अच्छी फिनिश देता है। आपके लिप्स पे इतने अच्छे से ग्लाइड कर जाता है, मीन सुपर डुपर कंफर्टेबल है आपके लिप्स पे, आपके लिप्स को बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं करता। और पिगमेंटेशन की बात करें तो पिगमेंटेशन तो मीन्स गजब है, मीन्स वाकई में सुपर है, पिगमेंटेशन वाइज तो बहुत ही कमाल है ये लिपस्टिक जो है। मैंने आप लोगों को हैंड स्वैच के टाइम पे दिखाया भी कि वन स्वाइप एप्लीकेशन में ही आपको इतनी अच्छी पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ये लिपस्टिक जो है लॉन्ग लास्टिंग भी है, मींस इन द सेंस कि आपको आराम से ये 4-5 घंटे रहता है आपके लिप्स पे, जब तक कि आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड ना खाओ। और फिर ऐसा मतलब बहुत ज्यादा ऑयली खाओगे तो टचअप कर लेना, बट फेड कम्प्लीटली नहीं होता है, बहुत ही अच्छा एक स्टेन भी छोड़ता है। और ये जो लिपस्टिक है ना, आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन पे सूट करेगा, मीडियम टू डस्की स्किन टोन वाले भी हो ना आप, तो बहुत ही अच्छे से ये लिपस्टिक जो है आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। और आप शेड वेरिएंस तो मैंने आप लोगों को बताया ही, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड भी चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इस मैट बॉक्स में सिर्फ यही एक प्लम शेड अवेलेबल है, नहीं, आपको इसमें पीचेस है, न्यूड्स है, ब्राउन्स है, रेड है, मरून है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बॉक्स भी चूज कर सकते हो। तो या और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इस लिपस्टिक का अंडरटोन मुझे बहुत ही कमाल का लगा, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये लिपस्टिक जो है। तीनों ही शेड बहुत ही अच्छे हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं इस लिपस्टिक के बारे में कि इस लिपस्टिक से ना एक फ्रेग्रेंस आती है, और फ्रेग्रेंस ऐसी वैसी फ्रेग्रेंस नहीं, आपको इससे ना कॉफी की स्मेल आती है। मीन्स जब मैंने इसे लगाया ना, आज नहीं, मैंने जब इसे एक दो बार जब मैंने इसे यूज किया है, तो जब मैंने इसे लगाया था फर्स्ट टाइम पे, तो अप्लाई कर रही थी, अप्लाई करते के टाइम पे मुझे मतलब स्मेल आ रही थी, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस लिपस्टिक से स्मेल आ रही है। बट मैंने सोचा कि क्या सही में वाकई में इस लिपस्टिक से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है,
कॉफी की इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है ना कि आसपास कॉफी है, या फिर मीन्स मुझे तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लगी। तो या अगर आप कॉफी लवर हो तो आप लोगों को ये लिपस्टिक बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। सो ऑल इन ऑल मैं बोलूंगी कि मुझे ये लिपस्टिक जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एक तो आपके लिप्स पे ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल है, आपके लिप्स को ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, लॉन्ग लास्टिंग है, अफोर्डेबल है, प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा है, क्वांटिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, पिगमेंटेशन इसकी बहुत ही अच्छी है। और अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो और अगर आप ढूंढ रहे हो ना अपने लिए कोई अफोर्डेबल सी लिपस्टिक, तो मीन्स इससे अच्छी बेस्ट डील तो हो ही नहीं सकती। एक एक बॉक्स में आपको 3 लिपस्टिक मिल जाता है और आप अपने अकॉर्डिंग से चूज कर सकते हो। अगर आपको रेड लिपस्टिक लगाना पसंद है तो रेड एंड मरून्स वाला आप बॉक्स ले लो, अगर आपको प्लम शेड पसंद है तो आप प्लम शेड ले लो, ब्राउन एंड पीचेस एंड न्यूट्स पसंद है तो उस टाइप वाला बॉक्स ले लो। तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है और 299 का मुझे मिला है, तो सोचो कितना ज्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर मान लो आप जब आपको जब इसे लेना हो और उस टाइम पे अगर ये लिपस्टिक जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे है, ऑलरेडी इसकी प्राइस जो है कम है, और अगर आपको ये 299 का मिल जाता है उस टाइम पर भी, तो सोचो कितना ज्यादा आई मीन अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है ये लिपस्टिक जो है। सो या गाइस, ये था मेरा मिनी रिव्यू आज के लिए, कि होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, आप लोगों को मेरी कंटेंट पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो, मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हो, मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस आप अगर पहली बार देख रहे हो और अगर पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी ना, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोगों से मेरी कोई वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। तो या गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।